हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू डी आई एस ऑनलाइन क्लासेस दिस इज द लेक्चर टू ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करेंट एंड टूडेज टॉपिक विल बी इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन इलेक्ट्रो मैगनेटिक इंडक्शन इज अ फिना विच इज कंप्लीटली इनवर्स टू द फिनिना ऑफ प्रोड्यूसिंग अ मैग्नेटिक फील्ड लोगों के दिमाग में ये ख्याल आया कि क्यों अगर हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं किसी मूविंग चार्ज की वजह से तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू हम मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस कर सकें इट मीन्स करेंट्स प्रोड्यूस कर सकें सो ये आइडिया बेसिकली दैट वॉज फर्दर डेवलप्ड बाय माइकल फराडे एंड ही गेव द प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन सो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन इज द फिना इन विच वी चेंज दी मैग्नेटिक फील्ड और दी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एसोसिएटेड विद अ कंडक्टर और अ कॉयल एंड सम करेंट इज इंड्यूज इन द कॉयल That phenomena is identified as electromagnetic induction. So, what happens in electromagnetic induction? We have to use a coil of some turns and we just connect a galvanometer across the ends of the coil. So, this coil doesn't have any potential difference source. It means that in absence of any battery, there will be no current flowing in this coil. It means that the galvanometer will show zero deflection. नीडल ऑफ द गेल्वेनोमीटर विल रिमेन एट सेंटर सो बिना किसी पोटेंशियल डिफरेंस के इस कॉइल में कोई भी करंट फ्लो नहीं होता इट मीन्स आपका गेल्बेनोमीटर जो डिफ्लेक्शन शो करेगा दैट विल बी जीरो सो एक्सपेरिमेंटली यह देखा जाता है कि अगर किसी भी बार मैग्नेट को आप इसके क्लोज लाते हैं या बार मैग्नेट को इससे दूर ले जाते हैं तो उस केस में यू विल गेट अ मोमेंटरीली डिफ्लेक्शन प्रोड्यूसड इन दिस गेल्वनोमीटर इट मीन्स दैट वेन एवर the magnetic field lines crossing this coil is changing is inc either increasing or decreasing then you will get some induced current in the coil it means some current is produced so electromagnetic induction can be identified as a phenomena in which we are just changing the number of magnetic field lines passing through a coil and this change in number of magnetic field lines is actually producing a current and ultimately a potential difference or an induced emf an induced electromotive force in दिस coil सो दिस फिना is समथिंग विच इज known as सेल्फ इंडक्शन सो आपके पास एक बार मैग्नेट अवेलेबल है जिसके साउथ पोल को स्टूडेंट्स आप इस कॉयल के क्लोज ले जाते हैं एज यू ब्रिंग द साउथ पोल नियर टू द कॉयल आप ये देखेंगे कि ये साउथ पोल जब क्लोज आता है तो उस केस में कॉयल के अंदर जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का अमाउंट बढ़ता है इट मींस द मैग्नेटिक फील्ड विच द कॉयल इज एक्सपीरियंसिंग विल इंक्रीज वो मैग्नेटिक फील्ड जो कॉइल एक्सपीरियंस कर रही है वो बढ़ने लगेगा बिकॉज यू आर ब्रिंगिंग द मैग्नेट नियर टू द कॉइल ओके सिमिलरली वन मोर थिंग कैन बी डन अगर आप मैग्नेट को स्टेबल रखते हैं देन यू हैव टू मूव द कॉइल अवे फ्रॉम द मैग्नेट और क्लोज टू द मैग्नेट दिस कैन ऑल्सो प्रोड्यूस द सेम करेंट इट मीन्स दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रिक्वायर्स अ रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल इट मीन्स दैट आइदर द मैग्नेट इज स्टेबल द कॉइल इज मूविंग either the coil is stable the magnet is moving or there is some relative motion between them it means the velocity of the coil and the velocity of the motion of the magnet should be different okay so this is the principle of electromagnetic induction so the first law for electromagnetic induction is that the amount of current flowing in this coil will be directly proportional to the number of turns and it will also depend on the rate of changing

कॉयल्स सच टाइप ऑफ कॉल्स एनी कंडक्टिंग कॉयल और एनी कंडक्टर ऑलवेज कंटेन सम फ्री इलेक्ट्रॉन्स हर कंडक्टर में हमेशा कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस की एबसेंस में ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन करते रहते हैं किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मोशन नहीं करते सो वट इज हैपनिंग वेन यू आर ब्रिंगिंग द साउथ पोल नियर टू द मैगनेट वट हैपन्स इज दैट यू आर डूइंग सम वर्क इन ब्रिंगिंग दैट साउथ पोल नियर टू द मैगनेट क्वेश्चन इज दिस वर्क इज एक्चुअली स्टोर्ड एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन साइड द इन साइड दो कॉइल के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो इलेक्ट्रिक करंट आपको देखने को मिल रहा है वो बेसिकली उस वर्क से आता है जो आपने इस मैग्नेट को मूव करने में किया है स्टूडेंट ओके सो सपोज दैट द करेंट इज फ्लोइंग इन सच अ वे दैट दिस पोल बिकम्स नॉर्थ ओके सपोज इज दिस इट इज जस्ट एन एजम्शन

नॉर्थ पोल उसको साउथ पोल को ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करता है तो मैग्नेट को लेफ्ट से राइट right डायरेक्शन में मोशन कराने के लिए आपको कोई भी वर्क करने की जरूरत नहीं होगी बिकॉज दिस सिस्टम इज समथिंग विच इज अ परपिचुअल मशीन दिस सिस्टम इज ऑटोमेटिकली जनरेटिंग सम एनर्जी ओके इफ दिस पोल जो यहां पर पोल डेवलप होता है स्टूडेंट्स अगर वो नॉर्थ है तो इसका मतलब यह है कि साउथ पोल साउथ पोल खुद ब खुद ही नॉर्थ पोल के नजदीक आता रहेगा और अगर ये नॉर्थ पोल के नजदीक आ रहा है इसका मतलब ये है कि आपको इस मैग्नेट को पुश करने की जरूरत नहीं है देर इज नो नीड ऑफ पुशिंग दैट मैग्नेट इट विल ऑटोमेटिकली कम बिकॉज अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर सो इट मीन्स दैट यू विल गेट इलेक्ट्रिकल करेंट ऑटोमेटिकली इट मीन्स दैट देर विल बी नो वर्क डन इन प्रोड्यूसिंग सम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन साइड दैट कॉइल सो

और यही वजह है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायोलेट कर देती है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग आप किसी सिस्टम की एनर्जी को तब तक इंक्रीज नहीं कर सकते जब तक हम उस पर कुछ वर्क ना करें आप देख रहे होंगे कि अगर यह पोल नॉर्थ बन जाता है तो साउथ पोल ऑटोमेटिकली इसकी ओर अट्रैक्ट होते हुए आता है देर इज नो नीड टू डू वर्क ऑन दिस मैग्नेट आपको इस मैग्नेट को पुश करने की इसको डिस्प्लेसमेंट देने की जरूरत नहीं है साउथ पोल ऑटोमेटिकली नॉर्थ की ओर को आएगा और उसके बदले आपको करंट भी मिल रही है वट डज इट मीन इट मीन दैट यूर डिवाइस और योर कॉइल इस प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी विदाउट कॉस्ट ऑफ एनी वर्क जो कि वर्क एनर्जी थ्योरम का वॉयलेशन है बिना वर्क किए आप कोई भी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकते दिस सिस्टम इज ऑटोमेटिकली जनरेटिंग एनर्जी दैट्स वाई द पोल डेवलप्ड इज इन सच अ वे दैट इट अपोज द मोशन ऑफ द मैग्नेट सो इट मीनस दैट कि अगर आप मैग्नेट के साउथ पोल को कॉइल के इस एंड के क्लोज लाना चाहेंगे तो ये एंड भी साउथ बन जाएगा क्योंकि साउथ पोल साउथ पोल को रिपेल करता है इसका मतलब कॉइल को क्लोज लाने के लिए कॉइल और मैग्नेट के बीच की डिस्टेंस को कम करने के लिए आपको मैग्नेट को क्लोज लाना होगा एंड इफ यू ब्रिंग द मैग्नेट क्लोजर दिस साउथ पोल विल स्टार्ट रिपेलिंग दैट अनदर साउथ पोल इस रिपल्शन के अगेंस्ट आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा एंड दैट वर्क इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन साइड कॉइल दैट इज एग्जैक्टली सिंपल एग्जैक्टली सिमिलर टू द केस दैट इफ यू आर ड्रॉपिंग अ स्टोन फ्रॉम अ हाइट and it goes to ground because gravity is attracting it but it cannot come up to and sit on a table because it the work is to be done against gravity so energy system ke andar tab store hoti hai jab hum kuch aisa karte hain jo system nahi chahta so electrical energy ko yahan par store karne ke liye zaruri hai ki hum south pole को जब close ला रहे हैं तो ये एंड south बन जाना चाहिए ताकि इस repulsion के अगेंस्ट हम कुछ work कर सकें और वही work इसके अंदर electrical energy की form में store हो जाता है सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड दिस रूल इज नोन एज द देंस लॉ सो अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ इंड्यूस्ड करंट हमेशा इस तरीके से फ्लो होती है कि वो उसी रीजन को अपोज करती है जिससे वो खुद प्रोड्यूस हुई है तो आप देख रहे होंगे कि साउथ पोल के क्लोज आने की वजह से ही इसमें इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हुई और ये इंड्यूस्ड करंट इस तरीके की है कि ये साउथ पोल को दूर भेजना चाह रही है आप देख रहे हैं कि दैट ज साउथ दैट इज ऑल्सो साउथ इट मीन द इंड्यूस्ड करंट वॉन्ट्स टू थ्रो द साउथ पोल अवे सो इट मीन द इंड्यूस्ड करेंट वॉज एक्चुअली प्रोड्यूज डू टू द्रिंगिंग ऑफ साउथ पोल एंड बट इट इज अपोजिंग द मोशन ऑफ साउथ पोल साउथ पोल को क्लोज लाने के लिए यह अपोजिशन पैदा करती है सिमिलरली इफ यू आर मूविंग द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट अवे फ्रॉम दॉल दैन दिस पोल विल इमीडिएटली बिकम अर्थ पोल सो अब दोबारा से अगर आप इस कॉइल में एनर्जी स्टोर करना चाहते हैं और आप मैग्नेट के साउथ पोल को दूर ले जा रहे हैं उस केस में तुरंत यह पोल जो है फ्लिप होके वो नॉर्थ पोल बन जाता है और अगर ये नॉर्थ पोल बन गया इट मीनस इट स्टार्ट अट्रैक्टिंग द साउथ पोल सो आप अब इसका नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट कर रहा है तो साउथ पोल को दूर ले जाने के लिए यू हैव टू डू सम वर्क एंड दैट वर्क इज अगेन स्टोर्ड एज एनर्जी इन साइड दिस कॉइल सो वो वॉट यू सी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के नंबर को चेंज करने के दौरान यू हैव टू आइदर इंक्रीज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस और यू हैव टू डिक्रीज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस दैट कैन बी डन इन टू वेज इफ यू ब्रिंग द मैग्नेट नियर द कॉइल देन द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इंक्रीजेस एंड इफ यू आर ट्रेसिंग द मैग्नेट बैक और अवे फ्रॉम द कॉइल इट मीन्स दैट द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स विल डिक्रीज सो द पोल्स डेवलप्ड इन द मैग्नेट द पोल्स डेवलप्ड इन द कॉइल ड्यू टू दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विल बी इन सच अ वे दैट दे ऑलवेज अपोज द मोशन ऑफ द मैग्नेट अगर मैग्नेट का साउथ पोल कॉइल के एंड के क्लोज आ रहा है तो वो एंड साउथ पोल बन जाता है ताकि वो उसको रिपेल कर सके एंड सिमिलरली अगर साउथ पोल कॉइल के एक एंड से दूर जा रहा है तो वो नॉर्थ पोल में कन्वर्ट हो जाता है ताकि वो उसे अट्रैक्ट कर सके इस तरीके से इंड्यूस्ड करंट उसी रीजन को अपोज करती है जिससे ये खुद प्रोड्यूस होती है दैट्स वाई इट डजेंट वॉयलेट्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और इट ड वॉयलेट्स दी वर्क एनर्जी थ्योरम इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन आप देख रहे होंगे कि ये कॉन्टिन्यूअसली फ्लिप होता रहता है इट डिपेंड्स कि मैग्नेट किस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के नंबर को इंक्रीज डिक्रीज जैसे जैसे हम करते जाते हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैग्नेट के उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो कॉइल है उसमें पोल्स जो हैं वो अपने को फ्लिप करते रहते हैं दैट्स वाई यू विल गेट अ करेंट विच इज कॉन्टिन्यूअसली चेंजिंग इन डायरेक्शन आपको एक ऐसी करंट मिलती है जो लगातार अपनी डायरेक्शन को चेंज करती रहती है एंड दैट टाइप ऑफ करंट इज एक्चुअली नोन एज अल्टरनेटिंग करंट ऐसी करंट जो कि लगातार अपनी डायरेक्शन को चेंज करती रहती है वो क्या कहलाती है अल्टरनेटिंग करंट कहलाती है फ्रॉम द लास्ट लेक्चर वी ऑलरेडी नो वट आर द क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज कंफिगरेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल सो इट मीन्स दैट अगर आपको ये एंड नॉर्थ मिल रहा है एंड यू आर गेटिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन सो फॉर द साउथ पोल यू विल गेट अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन सो लेंस लॉ के अकॉर्डिंग जब भी हम मैग्नेट के अंदर जो पोल्स हैं ठीक उसके अपोजिट पोल्स कहां पर डेवलप होते हैं कॉइल के अंदर डेवलप होते हैं डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ मोशन इफ द साउथ पोल इज कमिंग क्लोजर टू द कॉइल देन द एंड नियर टू द साउथ पोल विल बिहेव लाइक साउथ इफ द साउथ पोल इज गोइंग अवे देन द एंड नियर टू द साउथ पोल विल बिहेव लाइक नॉर्थ सो इस तरीके से इसके पोल्स की डायरेक्शन लगातार फ्लिप होती रहती है और पोल्स के डायरेक्शन के फ्लिप होने का मतलब है करंट की डायरेक्शन का लगातार बदलना और करंट बदलता है इट मींस यू विल गेट अ फ्लक्चुएटिंग करंट कभी गैल्वेनोमीटर राइट साइड को डिफ्लेक्ट होगा कभी लेफ्ट को डिफ्लेक्ट होगा सो इट मीन दैट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज कंटिन्यूसली चेंजिंग एंड यू आर गेटिंग अ स्पेशल टाइप ऑफ करंट दैट इज नोन एज अल्टरनेटिंग करंट हमारे घरों में आने वाली जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी है स्टूडेंट्स दैट इज अल्टरनेटिंग करंट एंड इट हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ फिफ्टी हर्ट्स इट मीन्स दैट द करेंट चेंजेस इट्स डायरेक्शन फिफ्टी टाइम्स इन अ सेकेंड फिफ्टी टाइम्स पॉजिटिव एंड फिफ्टी टाइम्स नेगेटिव सो दिस इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को पता लगाने के लिए हम जिस रूल को यूज करते हैं दैट इज नोन एज द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल सो इन फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल वट यू हैव टू डू यू हैव टू स्प्रेड यूर लाइट राइट हैंड फिंगर्स the first finger the middle finger and the thumb perpendicular to each other in such a way that this thumb represents the direction of motion and this represents the direction of magnetic field then this middle finger will represent the direction of induced current so i will explain it by an example say that you have a crossed magnetic field students this we have a crossed magnetic field so what is a cross magnetic field a cross magnetic field is inwards to the board क्रॉस्ड मैग्नेटिक फील्ड होता है बोर्ड के अंदर की ओर को सो सपोज कीजिए कि स्टूडेंट्स ये कोई कंडक्टर है ये कोई कंडक्टर है जिसमें क्या हो रहा है इसका एक एंड ए है एक एंड बी है और ये इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है स्टूडेंट्स ओके सो सपोज दैट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन वी इज द वेलोसिटी ऑफ द मैग्नेट वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर सो इट मींस दैट बाय बाई अपलाइंग अपलेमिंग्स राइट हैंड रूल व्हाट हैपेंस दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर एंड दिस इज द direction of magnetic field this is the direction of induced current so this will be the way in which the fleming's right hand rule will be applied look at my hand and i am orienting i am changing the direction of my hand by an angle of 90 degree this finger is representing the direction of magnetic field inwards to the board so this finger looks like this and this is representing the direction of motion velocity of the conductor so this will be the direction of current so the current flows from a to b so by applying these laws to any type of conductor you can actually calculate the direction of induced current in a straight current carrying conductor or even in a loop either it is clockwise or anti clockwise so in this way electromagnetic induction is a phenomena which is completely opposite to the production of magnetic field magnetic fields are produced by currents and electromagnetic induction is the production of currents by changing magnetic fields. So, this is completely inverse to the production of magnetic field. So, in this way, you can apply the Fleming's right hand rule. Now, moving on, we can also have a phenomena which is known as mutual induction. And that will be the last topic of this class mutual induction. So, what does mutual induction mean? Suppose that you have a coil and we have a battery with which we have connected a rheostat. A rheostat is something which controls the value of current flowing in a coil or in a circuit. So, by varying the resistance of the rheostat, you can actually control the amount of current flowing in the coil. Say that this is coil 1, and another coil which is placed in its vicinity, in its surroundings, has only a galvanometer which is connected to it so what we have to do we have to change the amount of current flowing in this coil this coil is identified as the primary coil and similarly in this vicinity in its vicinity we have a secondary coil so what happens whenever you are changing the current flowing in the primary coil it means that the magnetic field in the vicinity of this primary coil is continuously changing the second secondary coil itself is in effect of this magnetic field the second coil itself is placed in the magnetic field of the first so if the magnetic field of the first coil changes it means that it will influence the number of magnetic field lines passing through the second coil so by changing the number of magnetic field lines in the vicinity of first coil by changing the current इसमें करंट के अमाउंट को चेंज करके आप इसके चारों ओर के मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर सकते हैं उस बदलते हुए मैग्नेटिक फील्ड में सेकेंडरी कॉइल रखी हुई है तो सेकेंडरी कॉइल के अंदर कुछ इंडक्शन हो जाता है दैट इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन द वर्ड म्यूचुअल मीन्स टू इट मीन टू कॉइल्स आज इन्वॉल्व ओके सो प्राइमरी कॉयल एंड सेकेंडरी कॉइल सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ वट वी नो एज अ ट्रांसफॉर्मर इन इलेक्ट्रिसिटी

मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अमाउंट को वेरी नहीं कर पाएंगे और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का अमाउंट अगर चेंज नहीं होगा देयर विल बी नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सो दिस इज ऑल फॉर टूडेज क्लास इन दिस क्लास वी हैव लर्न अबाउट वॉट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऑन विच फैक्टर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डिपेंड्स सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज डिपेंडिंग दैट हाउ फास्ट यूअर मैग्नेट इज मूविंग और हाउ फास्ट यूर कॉयल इज मूविंग ओके एंड सिमिलरली वी हैव लर्न अबाउट लेंस लॉ की द इंड्यूज करेंट ऑलवेज प्रोड्यूज ऑलवेज अपोज इज द रीजन फ्रॉम विच इट इज इट सेल्फ प्रोड्यूस इंड्यूज करेंट उसी कारण को अपोज करती है जिससे वो खुद प्रोड्यूस होती है और इसके बारे में हमने काफी डिटेल में समझा है सिमिलरली वी हैव मूव्ड टू द फ्रेमिंग्स राइट हैंड रूल विच इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करेंट इंड्यूस्ड करेंट की डायरेक्शन को पता करने के लिए हमें फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल चाहिए अकॉर्डिंग टू विच इफ थम इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर द फर्स्ट फिंगर इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देन दिस मिडिल फिंगर ऑफ द राइट हैंड विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करेंट द नेक्स्ट फिनोमिना वॉज म्यूचुअल इंडक्शन इन अ म्यूचुअल इंडक्शन वी आर प्रोड्यूसिंग सेल्फ इंडक्शन बट बाय अ डिफरेंट मैथड सो वट वी आर डूइंग एक प्राइमरी में जो करंट फ्लो कर रहा है स्टूडेंट्स उसको हमने चेंज किया उस प्राइमरी के आसपास हमने एक सेकेंडरी रखनी है और प्राइमरी का मैग्नेटिक फील्ड जब बदलेगा तो वो सेकेंडरी से जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के नंबर को भी एल्टर करेगा उसको चेंज करेगा उससे सेकेंडरी कोयल में कुछ इंडक्शन हो जाता है कुछ इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाती है दैट इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स द इलेक्ट्रिसिटी विच वी आर गेटिंग इन अवर होम्स इज एन अल्टरनेटिंग करंट बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मैग्नेट के कंटिन्यूअस मोशन होने की वजह से जो कॉइल में करंट की डायरेक्शन है वो लगातार फ्लिप करती रहती है दैट्स वाई यू विल गेट अल्टरनेट पोल्स इट मीन्स दैट द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग इन द कॉइल विल चेंज कॉन्टिन्यूसली गेलवनोमीटर बार बार अलग अलग डायरेक्शन में स्टूडेंट्स फ्लिप करता है तो यही प्रिंसिपल है एक फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फिनोमिना इन आवर डेली लाइफ बिकॉज द इलेक्ट्रिसिटी विच वी आर गेटिंग इज ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के की अपनी डिस्कवरी से पहले सारी इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट करेंट की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी जो कि रजिस्टेंस के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है इट ड्रॉप्स वेरी क्विकली रजिस्टेंस के साथ डायरेक्ट करेंट में बहुत तेजी से ड्रॉप आता है बट अल्टरनेटिंग करंट कैन बी मूवड टू वेरी लार्ज डिस्टेंसेज Thousands of kilometers without significant power loss. So, in this way, electromagnetic induction is extremely important in our lives. So, if you like this video, subscribe our channel, share it with your friends, and press the bell icon for latest updates. Thank you.